हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरुका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। नवरात्रि सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम व्रत की रेसिपी बनाएंगे, व्रत के अप्पे, और साथ ही बनाएंगे हम मूंगफली की चटनी भी। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सामा के चावल लिए हैं। इसको 2-3 बार मैंने वॉश कर लिया था और 2 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया था। 2 घंटे पानी में भीगने के बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्सर जार लिया है। अब इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे 2 हरी मिर्ची तोड़ के ले ली है इसको मैंने, और 3 चम्मच दही डालेंगे। एक बात का खास ध्यान रखना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है पीसते टाइम। हमारे मिक्सर पीस गया है, देख लेते हैं इसको। देखिए कितना लिक्विडी है, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अब यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। मैंने 2 आलू को बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है। 2 आलू को बॉईल किया, ठंडा करके, और इसको कद्दूकस कर लिया। अब इस पेस्ट को इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही में इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच सेंधर नमक व्रत के लिए बना रही हूँ, 1/2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दूंगी। मिला लेंगे इन सबको। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए बहुत ही कम मसालों का उपयोग किया है। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे अपन पेन में सभी मोल में 2 से 3 बूंद घी डाल दिया था। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब 1-1 चम्मच बैटर को हर मोल में डालते जाएंगे। इसी तरह से सभी मोल्ड को हम 1-1 चम्मच बैटर से भर देंगे और ढक करके 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको सिकने देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, अपने इस तरह से एकदम परफेक्ट सिक्के तैयार हो गए हैं। ध्यान रखना है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। फिर से हम ढक के 1 से 2 मिनट तक सेक लेंगे। चाहे तो आप दूसरी तरफ भी ऑयल या घी लगा सकते हैं। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप पे दूसरी तरफ से भी अच्छे सिक्के तैयार हो गए हैं। अब इसे सर्व करने के लिए हम चटनी तैयार करेंगे। अब हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया था और ठंडा हो करके इसका छिलका निकाल लिया था। तो इसको चटनी जार में डाल देंगे। साथ ही में इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची तोड़ के ले ली है मैंने, 1 चम्मच जीरा, नींबू का रस, मैंने यहाँ पे 1/2 नींबू का रस लिया है। व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाल दूंगी और 1 चम्मच दही डालेंगे। दही डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जरूरत पड़ी तो पीसते टाइम हम और भी पानी डाल देंगे।
मूंगफली की चटनी पिसके तैयार हो गई है, चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी स्मूथ, एकदम क्रीम जैसी चटनी बनके तैयार हुई है। पीसते टाइम ही मैंने उतना ही पानी डाला था। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब चटनी में हम तड़का लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे तड़का पहन लिया है। एक चम्मच मैंने घी डाल के इसको गर्म कर लिया है और आधा चम्मच इसमें तिल डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें तड़का जीरे का भी लगा सकते हैं। लो फ्लेम पर तिल को सिकने देंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे। हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इस अप्पे को चटनी के साथ सर्व करिए और इस नवरात्रि सीजन को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।